आखिरी बात तू ही बता, गुरु मंगल चंद मना तू ही बता मेरा कैसे जाना होगा, कोई गुरु चंद्रलाल की शान का फोटो टेप कराना होगा, कोई रास्ता है जिस समय चला जाऊं? एक रास्ता है। कौन सा? देखिए, जो पतिव्रता औरत होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, उसका धर्म होता है क्या कि वो अपने पति के दर्शन करके फिर भोजन किया करती है। ये भीमपुरा से यादववंश श्रीमान जसवंत सिंह जी, जसवंत सिंह जी यादव भीमपुरा से 100 रुपए सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरी फोटो बनवा के ला दूं? हाँ, किसी कारीगर के पास जाइए और अपनी शान की फोटो बना कर ला दीजिए, ताकि मैं आपके फोटो के दर्शन कर लूंगी और फिर भोजन कर लूंगी। सजनों, पतिव्रता स्त्री अपने पति के दर्शन करने के बाद में भोजन करती है, मैं चला जाऊंगा तेरे दिक्कत आवेगी, घनी दिक्कत आवेगी, इसलिए तेरे को फोटो बनवा के देनी जरूरी है। हाँ जाइए। देखे, मैं यूं गया और यूं आया। जाइए। हाँ, अभी जाता हूं। सुनी रानी की वार्ता तो मन में किया विचार, झटपट शहर में पहुंच गया जहां एक कारीगर होशियार। भाई साहब, राम राम। राम राम। बोल भाई। बोलना कि आज तेरे पास बहुत जरूरी काम से आया था। क्या जरूरी काम है? बोली भाई, तन्ने तो फोटो बनाने का काम है, मेरी फोटो बना। फोटो बोलो कैसी बनाऊं? शाबत बनाऊं, हाफ बनाऊं, रंगीन बनाऊं या व्हाइट बनाऊं? बोली। देखिए, फोटो तो बनानी है रंगीन। अच्छा। और चोटी ते लेके एडी तक और एडी ते लेके चोटी तक साबत फोटो आनी चाहिए, और इसी फोटो बना दे। देखनिया न्यू ना सोचक या फोटो से। अच्छा। देखनिया न्यू सोचक राम कुआरी खड़ा है। अच्छा, पूरा फोटो? पूरा फोटो, पूरा ही तारांगा भाई तेरे। हाँ, बात सुन ले। हाँ। इस फोटो के बारे में सजनों, फोटो पे रागनी है कि किसकी फोटो देख करके कौन खुश हुआ, किसकी फोटो किसने बनवाई, किसकी फोटो को देख करके कौन नाराज हो गया। सुनिए, फोटो के बारे में गुरु जी ने बहुत अच्छी रागनी बनाई है, सुनिए। ध्यान करो भाई, दानी वीर की। वाह, ये श्रीमान राजपाल जी बोहरा जी भीमपुरा से, राजपाल जी बोहरा जी भीम सिंह पुरा से अपनी तरफ से प्रेमी सजन आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया काम है भीमपुरा भी। सुनियो रागनी, बच्चे भी उस्ताद तार दे अरे के तार दू, अरे तार दे अरे आता तारू को पूरा बताया ना पूरा। अच्छा, मेरी फोटो मिस्त्री क्या बात है, और दर्शन करके भोजन खाकी वा मोहना दे परी। तार दे रे तार दे मेरी फोटो मिस्त्री, और दर्शन करके भोजन खाकी मोहना दे परी। भोजन दर्शन कर भोजन करया करेगी, मेरे मन में न्यू जरी जैसे जत सत से पत्थर की पूजा माँ गोरा ने करी। तार दे फोटो मिसरी, दर्शन करके भोजन खाकी मोना दे परी। हो 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 कार्य की जड़ा सा कारण है
हद सारण में हद सीता की हद सीता की फोटो तारण में कितनी कारागरी रावण की तस्वीर देख के रूस के हरी तार दे रे तार दे फोटो बिस्तरी दर्शन करके भोजन खागी मोना दे परी मेरा दिल्ली पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहां मेरा दिल्ली एक फोटो का जिक्र और करता हूं तेरे सामने सुनिए अच्छे उस्ताद ऐसी तस्वीर बना मेरे यार देख के राजी हो जा मेरी नार हो जा मेरी नार हो जा मेरी नार सुथरा फोटो उतार तू अपनी मेहनत ले खरी जैसे अनिरुद्ध की तस्वीर ताक में उठाने धरी तार दे रे तार दे फोटो मिस्त्री दर्शन करके भोजन खागी मोहना दे परी आजा शाम होने आई मौसम तेरी अंगड़ाई तो किस बात की है लड़ाई तू चल कह चंद्रलाल हर बार सृष्टि काल ने चरी कह चंद्रलाल हर बार सृष्टि काल ने चरी और शिव शंकर ने भी शक्ति 108 बेबरी भाई ऐसी तस्वीर बना मेरे यार देख के राजी हो जा मेरी नार सुथरा फोटो उतार तू अपनी मेहनत ले खरी जैसे अनिरुद्ध की तस्वीर ताक में उखाने धरी कार्य की जड़ हो से कारण में यो राम सबके कारण सारण में हद सीता की फोटो उतारण में कितनी कारागरी और रावण की तस्वीर देख के रूस गे हरी हरी क्यों रूस है रावण की तस्वीर देख के भाई मठ रामायण है उस मठ रामायण के अंदर आपको लेख मिल जाएगा प्रमाण मिलेगा कि जब सीता जी लंका से अयोध्या में आई तो अयोध्या की औरतों ने सीता जी से पूछा कि तू लंका में गई थी रावण के पास जी वो रावण कैसा है तो सीता जी ने दीवार के ऊपर रावण की फोटो बना दी तस्वीर बना दी छाप दिया और सखियों से कहने लगी कि बहनों ऐसा था वो रावण कुछ देर के बाद में जब राम आए राम ने वो रावण की तस्वीर देखी पूछा कि ये तस्वीर किसने बनाई है पता चला कि ये तस्वीर तो सीता जी ने खुद अपने हाथ से बनाई उस समय राम को भ्रम हो जाता है और राम ने कहा सीता से कि मैं तेरे को इतने कष्ट उठा करके उस रावण की कैद से आजाद करवा के लाया हूं और फिर भी अभी तक तेरे मन में उस रावण की तस्वीर बसी है इसी बात पे राम ने उस सीता को वनवास दे दिया ये मठ रामायण का लेख है मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं ठीक है बना दी फोटो बना दी अभी तो मत कैमरों को उठाए सुनो अच्छा तो फिर कैमरा था फोटो बना और जल्दी से तैयार करके दे रेडी साहब खड़ा हो अरे खड़ा हो भाई अरे ऐसे नहीं तो थोड़ा मुस्कुराओ है ऐ ना टेढ़ी मत कर फोटो खराब आ जाएगी अन कैमरा वाला को बड़ो ठंडो काम है ब्याह शादी का मां बहुत बढ़िया काम करे सी आज तो मैं यही करें छोरा छोरी ने स्टेज पे बैठावा तो कैमरा वालों बोड़िया बिनणी ने जार को मेरे का नहीं देखे मेरे का अरे ब्याह ही का साथ करी तेरे का नहीं कहां देखेगी ना मेरे का नहीं देखे वो पंडित जी तो कहा ठीने तारा का नहीं देखो चंद्रमा का नहीं देखो वो स्टूडियो वाला को मेरे का नहीं देखो बना दी एक्शन एक्शन मुस्कुराओ स्माइल प्लीज प्लीज बन गई ले तो जल्दी दे
तो एक बार रंदो रंदो तो मारन दे फोटू कर रंदा मार और चौकट नहीं बनाऊंगा लिपाई करे से फोटू बनावे अरे फ्रेम भी तो लगाना है मेरे को अच्छा 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 फ्रेम बनावे बना ले हाँ ऐसा जल्दी फोटो मुड़ता है क्या भाई जल्दी तो मन ने से बराए तुम्हें जाने की कोई बात नहीं अच्छा काम तो काम का बल बनेगा ये ले फोटो और बना दी और अच्छा भाई वाह क्या बात है बहुत बढ़िया फोटो बनाई थी ऑटोमेटेड यानी मेरे पास में कैमरा है जी उसमें फोटो फुल आती है अच्छा हाँ। बहुत बढ़िया भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा। मैं चलता हूँ राम 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 पैसा दे तेरे राम राम चौकी कुछ मेहनत तो भाई एक बात सुन ले राजा की बारात में जा रहा हूँ और बारात से वापस आते तेरे सारे पैसे दे दूंगा मैं अच्छा हाँ भाई मैं तो देख मंत्री अधिकारी नेता और ये बड़ा जो ऑफिसर हूँ थानेदार थानेदारानी के मैं उधार ही कौन करूँ क्यों कौन करे भाई भाई ये बडलिया आपसे तो दी कौन है और मैं मांगू कौन है भाई एक बार विश्वास करके देख अच्छा राजा की बरात से वापस आते तेरे को सारे पैसे दे दूंगा भाई मैं तो काम के लिए विश्वास करूँ सुजा अच्छा सजन राम कुमार अपनी फोटो बनवा करके जल्दी जल्दी अपने घर पर जा रहा था लेकिन रास्ते में उस राम कुमार के गुरु पंडित मनमोहन मिल जाते हैं और गुरुजी उस फोटू के बारे में राम कुमार की आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ था राम कुमार के दिल में जो भ्रम बड़ा हुआ था गुरुजी उस राम कुमार के दिल का भ्रम निकालते हैं उसकी आंखों से पर्दा हटाते हैं और फोटू के बारे में राम कुमार को ऐसी बात बताते हैं कि राम कुमार का जीना हराम हो जाता है सुनिए क्या कुछ होता है फोटू मने बनवा लई अब झटपट घर पे जाऊंगा मेरी मोहना देखो जा करके मैं मेरी फोटो दिखाऊंगा गुरुजी प्रणाम प्रणाम खुश रहो मौज करो आनंद करो यशस्वी भव आयुष्मान भव अरे राम कुमार जी बड़े खुश दिखाई दे रहे हो कहाँ जाकर के आ रहे हो भाई बाजार गया था गुरुजी अच्छा बाजार गए थे जी ये क्या छुपा रहे हो गुरुजी ये तो फोटो है फोटो किसका है मेरा तो तेरा फोटो तो फिर पीछे छिपाने की क्या जरूरत है बस गुरुजी ने ही छुपा लिया था दिखाइए कैसा बनाया फोटो गुरुजी माफ करना माफी चाहूंगा आपसे ये फोटो मैं आपको नहीं दिखा सकता अच्छा हाँ क्यों ऐसी क्या बात है देखिए जो मेरी रानी है मोहना दे अच्छा वो कहती है कि आप राजा की बरात में जाओगे तो मैं 3 दिन तक भूखी रहूंगी अच्छा और मैं पतिव्रता हूँ आपके दर्शन के बगैर भोजन कैसे करूंगी अच्छा तो कहती है कि आपकी फोटो बनवा करके ला दो अच्छा। तो मैं ये फोटो उसके लिए बनवा करके लाया हूँ और गुरुजी माफ करना सबसे पहले इस फोटो को वो मेरी रानी मोहना दे ही देखेगी क्या बात करता है राम कुमार क्यों हम तेरे गुरु हैं हाँ हमने तेरे पढ़ा लिखा करके इतना विद्वान बनाया है और जिस रानी ने तेरे को तेरे साथ प्रश्न किए थे उनके उत्तर भी हमने तेरे को पढ़ाए थे जी और तू मेरे को फोटो नहीं दिखा रहा और उस पे ज्यादा विश्वास करता है गुरुजी गुरु से ज्यादा स्त्री पे विश्वास करता है नहीं गुरुजी आप मेरे गुरु हैं आपका नाता सही है लेकिन वो भी तो मेरी ब्याहता है प्राण प्यारी उसके ऊपर भी तो विश्वास करना मेरा कर्म है अरे हम तो तेरे को बचपन से तेरे साथ है तेरे को पढ़ाया है वो तो कला ही है वो हमारे से बड़ी गुरु हो गई और फिर तो मैंने तेरे को कितनी बार समझाया था कि इतना ज्यादा विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए विशेषकर औरत पे तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इनको तो कोई बात हजम होती नहीं है औरत के ऊपर विश्वास और अगर कोई गूढ़ रहस्य की कोई बात हो और औरत को बता दो और उसको ये कह देना किसी को मत बताना वो पक्का बताएगी बिल्कुल पेट में आलिया गोल बात बताओ गुरु जी आप कहना क्या चाहते हैं मेरे तेरे समझ में नहीं आता तो मैं तेरे को एक बात और पढ़ा देता हूँ कि जिस जिसने भी औरतों पे विश्वास किया है जी जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पतिव्रताओं का ढोंग किया है ढोंग है और क्या तुम्हारी मोना दे तो क्या है बहुत बड़ी बड़ी पतिव्रताओं की मैं तेरे को चर्चा बताता हूँ हाँ सुनिए बताइए बहुत
स्वागत है पंडित जी नरेंद्र। तेरे घर पति वरता मोहना बीर। गुरुजी ये फोटो मैंने मोहना डे के लिए बनवाई है। अच्छा? वही देखेगी इसको तो इस फोटो का महल में लिए देख तमाशा आज वजीर। हो तू तमाशा देख लो कबार मेरे फोटो का तमाशा मोहना बीर। अरे इस फोटो का महल में लिए देख तमाशा आज वजीर। तू तेरा से राम कुमार मेरे घर पति वरता मोहना बीर। इस फोटो का तेरे महल में लिए तमाशा देख वजीर। शान देख प्रेम गात में जाके वह मोहना बोलती प्यारी लागे। अरे वो तेरी मोहनत बोलती प्यारी लागे। उस भानमती के आगे भानमती के रानी के आगे राजा भोज की ना चली तदबीर। और 14 विद्या विधान बताया बड़ा कुत्ता गले पड़ी जंजीर। ओ तेरा से राम कुमार मेरे घर घर पति वरता मोहना बीर। इस फोटो का महल में लिए देख तमाशा आज वजीर। यो सब जगत वीर पे मरता यो मन चल चल धीरज ना धरता। उस पतिव्रता पिंगला रानी ने पतिव्रता पिंगला रानी ने एक नीच कर लिया साझा सिर। और खोटे कर्म देख के राजा वो पार्थरी बन गया फकीर। वो तू कहना से राम कुमार मेरे पतिव्रता मोहना बीर। इस फोटो का महल में लिए देख तमाशा आज वजीर। और तेरे को एक बात और बता देता हूँ। कौन सी के वीर हो 17 विश्व प्रचंड। और अत्यंत भले मनुष्य ने भी दंड भले मनुष्य ने भी दंड। अरे भरत खंड पंजाब बीच में भरत खंड पंजाब देश में एक छूचक साली हो गई हीर। और ब्याही गई अठन काने संग फिरिया पटकता वो रांझा पीर। राम कुमार मेरे घर पति वरता मोहना वीर। इस फोटो का महल में लिए देख तमाशा आज वजीर। गुरु मंगल चंद समझावनिए चंद्र लाल सेवा ठावनिए। अरे चंद्र लाल सेवा ठावनिए। अरे कावनिए तो सभा में गावे भाई कावनिए तो सभा में गावे। वो नुगरे पिट्या करे लकीर। और समझदार मानस के लागे सुखे ब्रह्म ज्ञान के तीर। अरे राम कुमार गुरुजी आपने तो दिमाग ही खराब कर दिया। अच्छा इस राजा भोज की उस भर्तरी की उस रांझे की क्या गति हुई। वो तो बहुत बड़ी पतिव्रताएं थी। तेरी मोहना देते उनके सामने कुछ भी नहीं है। इतना विश्वास नहीं करना चाहिए गुरुजी। उस पिंगला के बराबर उस भानमती के बराबर उस हीर के बराबर आपने मेरी मोहना देखो लगा ली। अरे वो तो बहुत बड़ी पतिव्रता उनके बराबर तो है भी नहीं। और अगर फिर भी तेरे को विश्वास नहीं है अपनी गुरु की वाणी पर तो मैं तेरे को बता देता हूँ। क्या आप राजा की बरात जा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा हाँ ठीक है महारानी को बता देना कि मैं राजा की बरात जा रहा हूँ। ठीक। और बरात से वापस आकर के बीच में ही वापस आकर के और इस फोटो की गति देख लेना और उसके कर्मों की गति देख लेना कि वो कैसी पतिव्रता है मैं कैसा हूँ तुम कैसा है। तेरे को सब पूरी फिल्म समझ में आ जाएगी। ठीक है जाइए। सजनों बताया जाता है कि 3 व्यक्ति होते हैं माता पिता और गुरु। माता पिता अपने बेटे और बेटी का कभी बुरा नहीं चाहते। बेटा बेटी चाहे कितना ही बुरा हो लेकिन माता पिता कभी अपने बेटे बेटी का बुरा नहीं चाहते। उसी प्रकार जो गुरु होता है वो भी अपने शिष्य का कभी बुरा नहीं चाहता। और आज मेरे गुरुजी ने ये बात मेरे को बताई है तो इस बात में कोई ना कोई राज जरूर है। देखना चाहिए कि गुरु की बात में कितनी सच्चाई है और मैं कितना झूठा हूं। चलो कोई बात नहीं देखते हैं क्या कुछ होता है। मन ही मन में सोच गया सुन गुरु की वार्ता वो राम कुमार महल के मां पहुंच गया।
लीजिए महारानी आ गई आप, बिल्कुल आ गया। ये फोटो तो ना बनवाई थी ना, बनवा दी, बड़ी सुंदर फोटो बनाई है। हाँ बता नहीं सकता कि आप हो या आपकी फोटो है। जी ठीक है, बढ़िया फोटो है ना। अब देखे तेरी मांग थी तना फोटो बनवा दी। हाँ अब मैं 3 दिन के लिए राजा की बारात में जा सकता हूँ? 3 दिन नहीं महाराज, अब तो 6 महीने बताना आप। अरे आवाता नहीं क्या, फोटो का जोत बत्ती करके खा लेगी। सजनो राम कुमार के मन में और भरम हो जाता है और राजा नरेंद्र से कहता है कि महाराज नरेंद्र बोलिए महाराज आ जाले, आपका विवाह करके लाता हूं, आपको पूरा सा डुबनाता हूं। अच्छा देखिए महाराज, हम शहर से लगभग 1.5 मील की दूरी पर आ गए। अच्छा लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मैं आपको आपकी शादी में देने के लिए गिफ्ट लेकर के आया था। अच्छा और वो गिफ्ट घर पर भूल गया। राम कुमार वा गिफ्ट तो लाया, लाऊं क्या? वहाँ के नरनार देखेंगे, वही वजीर आ रहा, वही राजा आ रहा, बरसात होगी, फूल बरसेंगे। हाँ हाँ हाँ। और तू मेरे को शादी में गिफ्ट देगा तो और भी 4 चांद लग जाएंगे। तो महाराज मैं जाता हूँ गिफ्ट लेने के लिए। अच्छा। बस यूं गया और यूं आया। अच्छा। लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं, जब तक ये बरात यही रहनी चाहिए, जानी नहीं चाहिए। बरात कहीं भी गोटल लगाई दूंगा। अच्छा सुन ले, एक भी नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात, मैं जाता हूँ। जा। सजनो राम कुमार आधे रास्ते से वापस आ जाता है और पछवाड़े से अपने महल के अंदर प्रवेश करता है, एक कोने में जाकर के छिप जाता है और देखना चाहता है कि बात क्या है, मामला क्या है। इधर वो रानी मोहना दे जब शादी करके विदा हुई तो दहेज में क्या लेकर के आई थी? 2 सफेद रंग के घोड़े और घोड़ों का पैठवान अपने महल से, और जहां वो पैठवान रहा करता नीचे नीचे सुरंग बना रखी और सुरंग के अंदर रस्सी बांध रखी, जहां सही से रहा करता पैठवान रहा करता वहां घंटी बांध रखी। रानी का जी चावे रस्सी पकड़ करके हिलावे, सही के पास में पैठवान के पास में घंटी बाजे, सुरंग के रास्ते महल में आ जाया और दोनों का चौपड़ताश का खेल चल रहे। मोना दे सोचती है कि राम कुमार गया राजा नरेंद्र की बारात में, अब 3 दिन तक नहीं आवेगा। रानी पीछे से वो रस्सी पकड़ करके हिलाती है, पैठवान के पास घंटी बजती है, पैठवान महल में आ जाता है, दोनों चौपड़ ताश खेलते हैं। राम कुमार कोने के अंदर बैठा बैठा छिपा छिपा अपनी आंखों से सारा नजारा देखता है और गुरुजी ने कहा था कि फोटो की हालत देखना, उस फोटो की क्या हालत होती है वो अभी आपको दृश्य दिखाएंगे, रागनी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे दान दाताओं की जो लिस्ट है वो बजानी चाहिए। ओहो आज तो काफी दिन के बाद घंटी बजी है, या लगता है रानी ने मेरे को याद किया है। यह घंटी तेरा शर्पा बजेगी। अच्छा ओहो रानी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप तो यहाँ आकर के, हाँ मेरे को यहाँ गुड़साल में ला करके छोड़ दिया, आप तो कभी याद भी नहीं करते। याद क्या करूँ, राम कुमार महल से जाता नहीं है, लेकिन अब 3 रोज तक हम यहीं रहेंगे और चौपड़ शहर की बाजी लगाएंगे। अच्छा हाँ तो वजीर साहब यहाँ नहीं है? वजीर साहब राजा की बारात में गए हुए हैं। वाह वाह ठीक है फिर तो आज दोनों चौपड़। क्या महारानी आप क्या कर रही हैं? घबराइए मत वजीर साहब, वजीर साहब नहीं है ये, तो वजीर साहब की फोटो है। नहीं नहीं मेरे को पता है वजीर साहब यहाँ महल में है और आप मेरे को धोखे से मरवाना चाहते हैं। कैसी बातें करते हैं आप, समझ गए आप? मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, आपको कैसे मरवा सकती हूँ? मैं कैसे यकीन कर लूँ, या नहीं, नहीं। महल में राम कुमार मौजूद है नहीं। आप मेरे को यहाँ घंटी बजा करके बुला करके राजा की बारात में गया हुआ है वो, तो धोखे से मरवाना चाहती है? नहीं 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 तो बारात गए हाय शर्मा जी धरता कम डबल किसका फोटो धराता कम ये सच बता दे क्या बात है
के चोपड़ी शारी खेल के खटका से दिलदार तने सकती तस्वीर नहीं ये जब तक फोटू दिखेगा तेरे में साधा सिर नहीं ओ ये नकली फोटू ओ धरा ताक में ओ खासम खास वजीर नहीं ओ, 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 ये खास में खास दिख रहा से महला में राम कुवार बने देखो भैया किसू फटू से अच्छा? क्यों ना होता एक बार तने आपको गलत फहमी हो गई है नहीं रानी अच्छा ऐसा नहीं है रामकुमार महल में मौजूद है नहीं, नहीं, और नहीं। आप मेरे साथ धोखा करना हूँ मैं तेरी और तू मेरा या झूठा झगड़ा सारा से ये ना तू मेरी ना मैं तेरा तन पति का फोटू प्यारा से ओ सच्चे समझ के झूठा दिल के न्यारा से तम झूठा सच्चा प्यार करो के पीरा का पतियारा से झूठा सच्चा प्यार करो के पीरा का पतियारा से फोटू के दिखा मार मने देखिए आपका दिमाग खराब हो गया नहीं।
मेरे को बेवकूफ बना रही है। कैसी बातें कर रही हैं आपने? आप कह रहे हैं कि जीत मरू फोटो के। मैम कुमार से आप प्रेम करती हैं? हाँ। यहाँ तक कि आप उसकी फोटो देख करके ही खाना खाती हैं। अच्छा, ये प्रमाण है? ये तो मैंने झूठ बोला था उससे। मेरे साथ धोखा करती है? ये तो मैंने झूठ बोला था उससे। हाँ, तो फिर फोटो को जूता मार के दिखा। अच्छा, जब समझू भाई। उठ लगी ये कहन करेगी तो सुख होगा ना तो सब्र की प्याली घूट लगी भी सब्र। अच्छा? नहीं आया फोटो पर जूती टूट लगो। एक जूत की कही थी, एक से एक जूत फोटो का मार के उलिया टेंट बना दिया। ये इब भी सबर नहीं आया फोटो पर जूती टूट ली। जब हो समझू सो भरतार तने किसका फोटो धरा ताक में सच बता दे यार मने वो बदही दे जो परेशान खेले खटका से दिलदार तने मेरा ही अनजान राहोगा आपसे कितना मोहब्बत प्रेम करती हूं। बिल्कुल, अब यकीन होगा भाई। सुनिए नंबर आखिरी बात। अब बता कोई बात चाहे। क्या बात है डॉक्टर की? सच बता दे मर जाने तेरे ओ इब भी हुई समाई कना ये तू ये मोहना हमने करके प्रीत निभाई कना ओ तेरे कारण ओ कोतवाली जगतैली ओट बुराई कना यतन पूरा कहने करा मेरा इबदेगा जगत भलाई कना चाहे भली बता गुरु मंगल से एक तार तने गुरु चंद्र लाल ते पूछ लिए जो करी से खोटी तार तने। सतवीर जी सोमदत्त जी रोडवाल से इसी रागनी पे शोर पे प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये मैनपुर वास से जो हमारे बहुत ही प्रेमी हैं और समाचार लगा कि भाई यहाँ का प्रोग्राम है रोडवाल का तो चल के आए हैं श्रीमान गिरिराज जी गहलोत साहब शोर पे प्रदान करते हैं इसी रागनी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शोर पे हमारे सुंदरलाल जी ये भी मैनपुर वास से दोनों प्रेमी सज्जन शोर शोर पे से सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। रुपया चाहे शाम तक बुलाया जाओ। ये श्रीमान रणधीर जी अबलपुरा से ये भी शोर पे प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए आप इन बातों को छोड़िए अब चौपड़ चार की बाजी लगाएंगे। बिल्कुल चलिए मैं रामकुमार तो बरात में गया। हाँ। और अपन चौपड़ चार खेलेंगे। रामकुमार का जिक्र ही ना करो आप। बहुत दिन हो गया चौपड़ चार खेले। आम का जूस बनाओ। अच्छा
अमरस। अरे राम कुमार आया नहीं, बहुत देर लगा दी। दिल तो करता है, दिल तो करता है कि इन दोनों का सर कलम कर दूं इसी जगह, लेकिन आज इनको इसी जगह महल में मार दिया तो ये राजमहल के अंदर ही दफने रह जाएगा। समय बहुत बड़ी चीज है, समय हर चीज का बदला देता है। समय का इंतजार करना चाहिए, सबर करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है। देख नजारा महल में राम कुमार भी हुआ उदास, और चलता चलता पहुंच गया राजा नरेंद्र के पास। राम कुमार बहुत देर लगा दी, राम कुमार आया नहीं। अरे राम कुमार जी महाराज आ गया, आ गया। और गिफ्ट लिया है? नहीं महाराज। क्या बात हुई? वो गिफ्ट किसी ने चोरी कर लिया। अच्छा चला, कोई बात नहीं, चोरी होगी तो ठीक है, पर लेकिन नरनार तो देखने के लिए आएंगे। अब बारोठी की टाइम है जी, और मेरी शादी है। राम कुमार हंसो। महाराज मेरे को हंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं हंस रहे? ये शहर के नरार देखेंगे राम कुमार हंसी का फूल बरसेंगे। हंसो। महाराज मैंने बताया ना मेरे को हंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मुझे एक बात बताइए, हंसी की जड़ क्या होती है? हंसी की जड़ तो उमंग होता है। तो महाराज मेरे दिल में उमंग नहीं है। क्यों? क्या मेरी शादी का उमंग नहीं है तेरे? नहीं तो? आपकी शादी की खुशी तो है, लेकिन मेरे दिल में हंसी की उमंग नहीं है महाराज। दिल में खुशी कौन सी नहीं है? तेरे को उमंग आनी चाहिए, मेरा तू वजीर है। हंसो राम कुमार, मैं तुम्हारी शादी के अंदर बहुत हंसा। मैंने हंस हंस करके नदी नाला एक कर दिया था पानी का, और तू हंसता नहीं। हंसो। वाह महाराज वाह, जल्दी हंसो। महाराज बाहर देख रहे फूल बरसेंगे, हंसी तो मेरे को नहीं आएगी। चाहे आज आप मेरी गर्दन उड़ा दें, लेकिन मेरे को हंसी नहीं आएगी। हंसी क्यों नहीं आएगी? सुनिए, यूं नहीं आएगी।
कौशिक जी, गुरु जी आओ। महाराज जी का श्री नथुराम पत्रकार महोदय से माल्यार्पण कर स्वागत करें। जो माजरी कला विजय सिंहपुरा में बाबा संत बिहारी दास जी के मंदिर में भंडारे और